फाइनली 5 घंटे के बाद हम जा रहे हैं फ्लाइट में बोर्डिंग करने। हम आ चुके हैं द बेनोज जिम के सामने। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को ये बताते हुए कि मसल ब्लेज ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी कि आपको दुबई ट्रैवल करना है एंड दुबई जाना है। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि दुबई के जो जिम्स है ना वो बड़े फेमस है। आपको पता है लैरी व्हील्स वगैरह सारे बड़े एथलीट्स बाइनोस करके एक जिम है वहां पे ट्रेन करते हैं, तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा जिम है, आप कह सकते हो कि वो टॉप में आता है। सारी चीजें मैं दिखाऊंगा और पैकिंग मैंने कर ली है। ये सारे मेरे कपड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने सारे सप्लीमेंट्स जो भी वहाँ पे काम आएंगे, सो बेसिकली प्रोटीन, विटामिन्स, आपके प्रोटीन बार, प्री वर्कआउट, ये सारी चीजें काम आएगी। हाँ, एक और चीज है कि मैं ट्रैवल करता हूँ उतना जिम का सामान कैरी नहीं कर रहा हूँ, जैसे बेल्ट हो गई क्योंकि वो बहुत स्पेस ले लेगा, रिस्ट स्ट्रैप्स वगैरह, नी स्लीव्स वगैरह, आप 2-3 दिन इसके बिना भी मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर लिफ्टिंग में भी। ऑल सेट, पैकिंग हो गई है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मेरे को करनी है, वो है करेंसी एक्सचेंज कराना। अब मैं दुबई जा रहा हूँ तो मेरे को वहां के जो करेंसी है दिरहम वो चाहिए होगी, वहां पे रुपी काम नहीं करेगा। अगर आप एयरपोर्ट से कराओगे या उस कंट्री में जाके करेंसी एक्सचेंज कराओगे तो आपको ज्यादा रेट देने पड़ेंगे। इसीलिए एडवाइस यही करूंगा कि आप पहले ही आपके लोकल में करेंसी एक्सचेंज वालों से एक्सचेंज करा लो, उनका बेटर रेट मिल जाएगा। तो भाई मनी एक्सचेंज हो गई, बड़ा ही बुरा लगा। मैंने टोटल ऑफ 90,000 रुपीज कराए और मुझे मिले 3,920 दिरहम। नोट कुछ ऐसे से हैं, ऐसे ऐसे नोट, क्रेजी। सो ये हो गया, अब एयरपोर्ट। सो गाइस, हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। सारा काम बहुत ही स्मूथली हो गया, बट हमारा यही एक प्रॉब्लम हो गया कि फ्लाइट हमारी डिलेड हो गई। करीब करीब 2.5-3 घंटे का डिलेड है, तो हम अभी 6 बज रहे हैं। हमारी फ्लाइट 11 बजे की हो गई जो ओरिजिनली 8:30 की थी। 5 घंटे हमें यहीं रहने हैं, इसी नज़ारे को देखते हुए बिताने हैं। बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर है। सबसे पहले आप आओगे, आपको अपना सामान दिखाना है, वीज़ा है, टिकट्स है, सब दिखाओगे, उसके बाद आपको टिकट्स मिल जाएंगी। उसके बाद जो इंटरनेशनल का है ना, पूरा एक अलग सेक्शन बना हुआ रहता है एयरपोर्ट पे, सब कुछ अलग होता है। वो आपसे पूछते भी हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, काइंड ऑफ है ना क्वेश्चंस, तो ये आंसर करना पड़ता है। बाकी वो सब कुछ चेक करेंगे, थोड़ी चेकिंग स्ट्रिक्ट होगी इंटरनेशनल में, मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया। और हाँ, सप्लीमेंट वगैरह का बहुत लोग पूछते हैं कि प्रोटीन ये वो अलाउड है कि नहीं। बिल्कुल अलाउड है, थोड़ा सा चेक करा, प्रोटीन देखा, बट हाँ एक मिनट में, हाँ बस वो प्रोटीन देखना चाहती है पाउडर फॉर्म में क्या है, कोई ड्रग्स नहीं, कुछ है नहीं ऐसा। वो सारे सप्लीमेंट्स मैं भी कैरी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप स्मूथली चेकिंग कर सकते हैं। वो हम यहाँ पे वेट करेंगे, कुछ खाएंगे क्योंकि 5 घंटे हुए हैं तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कुछ बढ़िया ढूंढते हैं जो अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को भी थोड़ा हेल्प कर दे। ठीक है, सो गाइस हम फूड लाउंज में आ गए। खाना था कुछ, सुबह से खाया नहीं है। ऑल आई कैन सी इज KFC, मैकडी, डोमिनोज वगैरह, तो यहाँ पे हेल्दी कुछ मिलेगा नहीं। और बाकी भी मतलब मेरे को लग रहा है थोड़ा जंक ही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है सबवे। मेरे को लगता है 3-4 सबवे खाने होंगे क्योंकि 5 घंटे का वेटिंग टाइम है। सो ऑल वी कैन डू इज यहीं पे इसके सामने बैठ जाते हैं। सो चलो चलते हैं, मिल लेते हैं अपने। खाना आ चुका है और मैंने, मेरे को सबसे हेल्दी यहाँ पे ऑप्शन सब्वे ही लगा, तो मैंने 2 सब्वे कराया है। एक उनका है, वीडियोग्राफर भाई का। सो इसमें अराउंड 18-19 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 2 खा रहा हूँ मैं, तो अराउंड 35-37 ग्राम प्रोटीन मेरा पूरा हो जाएगा। और ये आइस टी लिया है मैंने, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं है। मैं कोल्ड ड्रिंक उतना पीता भी नहीं, कब बहुत रेयरली पीता हूँ। तो सब्वे इज़ हेल्दी, बट अगर आप ज़्यादा सॉसेज डलवा दो तो वो अनहेल्दी भी बन जाएगा क्योंकि सॉसेज में बहुत ज़्यादा कैलरीज होती हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। अब इसको खाते हैं यार, बहुत बातें हो गई। सो गाइज, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म नहीं हो रही है, 4 घंटे हो गए हैं, रात के 10 बज गए हैं, एंड आई थिंक दिस नाइट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट, बिकॉज मेरे को लगता है कि रात 3 बज जाएंगे होटल पहुँचते। सो भूख लगी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हेल्दी है नहीं, अब सब्वे कितनी बार खाऊँ। तो कॉफ़ी बीन, दिस इज़ द शॉप, एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाएंगे, तगड़ी वाली है ना, जिससे नींद भाग जाए। और उसके साथ मैं सोच रहा हूँ खाऊँ क्या। फिर मैंने सोचा एक चीज़ तो मैं कैरी कर रहा हूँ, वो मैं खा सकता हूँ। एंड बहुत ही बढ़िया चीज़ मैंने करी है, वो है कि मैं प्रोटीन बार्स अपने साथ काफ़ी कैरी कर रहा हूँ। एंड मैं भी आपको टिप दूंगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो, इसको कैरी कर लो, 20 ग्राम प्रोटीन है, टेस्टी है। और वही दिन में 2 खाली, 40 ग्राम प्रोटीन कवर्ड, तो मेरे लिए ये बहुत हैंडी होने वाला है। सो आई एम हैविंग दिस एंड द कॉफ़ी।
बाद हम जा रहे हैं फ्लाइट में बोर्डिंग करने. ऑल सेट, वी आर रेडी. अब हम सीधा दुबई एयरपोर्ट पे मिलते हैं. सो गाइस, हम आ चुके हैं दुबई और काफ़ी लंबी लंबी फ़्लाइट हो गई है क्योंकि 11 बजे छूटनी थी. उसके बाद भी वहाँ अंदर बैठ के डिले हुआ 45 मिनट्स का. और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एयरपोर्ट का. वो पूरा एरिया में शूट करना अलाउड नहीं था, तो हमने शूट ही नहीं करा. अब एयरपोर्ट से एकदम एग्जिट के पास हमने परमिशन ली, तो यहाँ पे अलाउड है, तो हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं. ऑल्सो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक फ्री सिम मिल जाएगा. तो बहुत सारी शॉप्स भी हैं अलग अलग सिम कार्ड्स के, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो. एक सिम आपको फ्री मिल जाता है ना उसमें, बट एक ही दिन का डेटा होता है, तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा. एंड वील गेट अ ऊबर, चलते हैं होटल. सो गाइज, हम आ चुके हैं होटल एंड दिस इज़ आवर रूम. सो अभी तो कुछ भी करने मन नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह के यहाँ पे 4 के अराउंड हो रहे हैं. एक्चुअल में यहाँ 4 हो रहे हैं, बट मैं तो 5:30 के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ क्योंकि 1.5 घंटे आगे वाली लाइफ थी इंडिया में, तो मेरे लिए तो अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं. सो दिस इज़ द रूम. काफ़ी है, बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ है, थोड़ी लाइट कम है और लाइट के ऑप्शंस भी कम है. 2 ही लाइट हैं 2-3, तो ठीक है, बट लेट्स टेक सम रेस्ट. उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, है ना, बिकॉज खाया नहीं है काफ़ी टाइम से. कुछ हेल्दी ऑप्शन मिल जाए, बात करते हैं, तो अपन खा लेंगे एंड उसके बाद सुनेंगे. सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं द बिनोज जिम के सामने.